मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की योजना अनुसार प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सागर जिले के वन परिक्षेत्र गौर झामर में दक्षिण वन मंडल सागर द्वारा अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2018 अंतर्गत एक दिवसीय इको कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय विद्यालय गौरझामर कन्याशाला नयानगर सालावारा के विद्यार्थियों को बेहा बाबा वन क्षेत्र बीट खेराना ले जाया गया, जहां विद्यार्थियों ने काला पानी के पास अनेक प्रकार के पक्षियों को देखा। वहां उपस्थित मास्टर ट्रेनर यूके रेखवार ने सभी विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में जानकारी दी। तो किस स्कूल से आए आप? शासकीय हाई स्कूल है। अच्छा, तो आप यहां आज जंगल घूमने, आपने क्या सीखा यहां पर? यहां पर बहुत सी जानकारी जो हमें नहीं पता थी वो मिली, और पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जानने को। इसके बाद वह बाबा स्थान पर चाय नाश्ता किया जाकर स्कूली बच्चों को वन भ्रमण करवाते हुए वृक्ष और पानी के तलैया के बारे में जानकारी दी गई। वन और वन्य प्राणियों के संबंध में विद्यार्थियों के प्रश्नों के जवाब मास्टर ट्रेनर यूके रेखवार और जीएस अहिरवार द्वारा दिए गए। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको टूरिज्म विभाग मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित होता है प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम, और इसी तारतम्य परिक्षेत्र गौर झामर में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हाई सेकेंडरी हाई स्कूल और आठवीं के छात्रों ने भाग लिया। बच्चों ने उपस्थित होकर और बच्चों को सिखाया गया कि जंगल जैसे जीता है और जंगल से समाज को क्या मिलता है और समाज की क्या दायित्व है जंगल की सुरक्षा करने में, वन सुरक्षा करने में और वन्य प्राणी को बचाने में, वो इनको सिखाया गया। पेड़ पौधों की जानकारी, उनको वैज्ञानिक नाम, मिट्टी का संरक्षण, पत्थर का संरक्षण, मिट्टी पत्थर या जंगल का कैसे संरक्षण किया जाता है, वनों से आग, वनों को आग से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे वन माफियाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे तंत्र तैयार किया जाता है, ये सारी बातें बच्चों को सिखाई और बच्चों ने आत्मसात किया और बहुत ही अच्छा उन्होंने सहयोग किया उपस्थित। और सर यहाँ से कितने बच्चे मतलब यहाँ पर सम्मिलित हुए? इसमें 127 लगभग बच्चे और उनके टीचर्स वो सब लोग और हमारा स्टाफ सब मिला कुल 200 लगभग लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके पश्चात विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह के साथ प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विद्यार्थियों के साथ स्कूल स्टाफ, जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी सहित वन स्टाफ मौजूद रहा। इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए इको कैंप का आयोजन कर वन दर्शन करवाना एवं उनमें वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। देवरी से प्रवीण पाठक की रिपोर्ट।